नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों, शुभारंभ करते हैं आज का सेशन का। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। चाहे आप सीजीएल मेंस का एग्जाम दीजिए, केवीएस का दीजिए, या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम दीजिए, रेलवे, हाईकोर्ट, आर्मी, बीएसएफ, जहां पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंप्यूटर का पोर्शन आता है, वहां पे इन क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस आर। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस फ्लॉपी डिस्क तो नहीं होता, कीबोर्ड माउस नहीं होता, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर और प्रिंटर क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये हमें पता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस टेक्निक यूज्ड फॉर असेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, यूज टू असेस। असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माउस टेक्निक यूज फॉर असेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टीज ओपन करनी होती है तो हम हमेशा राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक से एक बॉक्स ओपन हो जाता है, एक मेन्यू ओपन हो जाती है, जिसके अंदर यहां पे सारी प्रॉपर्टीज होती है, कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन, शेयर टू, है ना। तो इसका राइट क्लिक होता है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। सर डॉट मैट्रिक्स तो प्रिंटर होता है, ये तो आपने पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब की इज यूज्ड टू, जो टैब बटन होता है ना, टैब बटन का हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सर टैब बटन का हम इस्तेमाल करते हैं टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, हां जी सर बिल्कुल करते हैं। टू इंटेंड द पैराग्राफ, हां जी सर बिल्कुल करते हैं। इसका ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड बी। अच्छा दोस्तों, एक बात समझिएगा, टू मूव द कर्सर का मतलब क्या है। आपने देखा होगा जब आप स्क्रीन ओपन करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर ओपन किया तो आपका पहले जैसे माई कंप्यूटर सिलेक्ट हो रखा है, तो आपको दूसरे पे जाना है, तो आप टैब की प्रेस कर दो, वो कर्सर अपना ऑटोमेटिकली माई कंप्यूटर से दूसरे पे चला जाएगा। या फिर आपने एक फाइल्स खोल रखी है बहुत सारी, जैसे फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, ये इमेजेस हैं। तो आप जैसे जैसे टैब का बटन प्रेस करोगे ना, तो वो कर्सर स्क्रीन के ऊपर रोटेट करता चलेगा। दूसरा, इंटेंड पैराग्राफ का क्या मतलब है, देखिए मान लो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, मैं चाहता हूं कि अगली लाइन है ना यहां से शुरू हो, तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर आप टैब बटन दबाओगे तो वो ऑटोमेटिकली फाइव स्पेस दे देगा। फाइव स्पेस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप स्पेस बार दबाते हो ना, अगर आप स्पेस बार क्लिक करोगे तो वो एक स्पेस देगा, यानी इतना सा स्पेस देगा बस, एक स्पेस। लेकिन अगर आप टैब बटन प्रेस करते हो तो वो फाइव स्पेस दे देता है। वो कितने स्पेस दे देगा, पांच बार स्पेस दे देगा ऑटोमेटिकली। तो टैब बटन से हम इंडेंटेशन भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, बोथ ए एंड बी, क्लियर। टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, अगर हमें किसी लाइन के शुरुआत में आना है, ये मैंने बता रखा है होम की करते हैं। और अगर इसी में क्वेश्चन दे दूं कि किसी लाइन के अंत में जाना है, आपको किसी लाइन के एंड में जाना है, तो एंड में जाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं सर, एंड में जाने के लिए हम एंड की प्रेस करते हैं। समझाइए दोस्तों बात। तो दोस्तों क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन आसान आपको तब लगेंगे जब आप मेहनत करोगे, जब चीजों को बारीकी से पढ़ोगे। और इन चैप्टर्स को मैंने बहुत डिटेल में करवाया है एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे मैंने काफी चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देखिएगा और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेहनत हमें करनी है। मैं अक्सर कहता हूं कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, तब दुनिया देखेगी नजारे हमारे। तो उन वर्दी के लिए, उन सितारों के लिए हमें मेहनत करनी है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, एंड हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है दोस्तों, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा होता है सर, कीबोर्ड और माउस होता है, कीबोर्ड और माउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सी ऑल इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूज, सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए सर हम मॉनिटर का यूज करते हैं, क्योंकि बाकी तो आउटपुट है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ माउस इज, तो मैंने आपको दोस्तों पढ़ा रखा है पुराने जमाने में मैकेनिकल माउस चलते थे, फिर आए ऑप्टो मैकेनिकल, और जो सबसे लेटेस्ट है वो है आपके ऑप्टिकल माउस। तो माउस दो प्रकार के हुए, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल, क्लियर है बात। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर हमारी टोटल 12 फंक्शन कीज होती है, जिसमें से आपकी दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, F1, F1 का काम होता है हेल्प का, और F5, F5 का काम क्या होता है, रिफ्रेश करने का। क्या काम होता है दोस्तों, रिफ्रेश करने का। क्लियर है बात। नेक्स्ट, प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंटर पेपर को टच करता है। तो मैंने आपको बताया थे कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो अब इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है ना, वहां पे प्रिंटर पेपर को टच करता है, लेकिन नॉन इंपैक्ट में प्रिंटर पेपर को टच नहीं करता, क्योंकि वो इंक को स्प्रे करेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रिंटर आर करेक्टर प्रिंटर। दोस्तों सीधी सी बात ये क्या पूछ रहा है, करेक्टर प्रिंट करना है, करेक्टर प्रिंट करना है। ये मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, प्रिंटर में आपको बताया था डिटेल में, कि जो हमारे जो हमारा दोस्तों जो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होता है ना, जो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो दो प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है करेक्टर प्रिंटर, एक होता है करेक्टर प्रिंटर, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। और जो करेक्टर प्रिंटर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, और दूसरा होता है डेजी व्हील, दूसरा होता है डेजी व्हील। और लाइन प्रिंटर आपके फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम प्रिंटर और एक होता है चेन प्रिंटर। ये मैंने आपको करवा रखा है। तो इसने हमसे क्या पूछा है, करेक्टर प्रिंटर। देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। तो सर करेक्टर प्रिंटर कौन सा होगा, करेक्टर प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो सर कीबोर्ड है, जोस्टिक है, मॉनिटर नहीं है सर इनपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है बच्चे, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वट इज द फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इन कंप्यूटर। कीबोर्ड का क्या काम है सर, इनपुट देने के काम आता है, इनपुट देने के काम आता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। हाई क्वालिटी आउटपुट कौन प्रिंट करता है सर, हाई क्वालिटी तो नहीं प्रिंटर है ना, इसमें ऑप्शन प्लॉटर दे रखा है। देखिए जो एक दो वर्ड होते हैं, मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी कि एक होता है प्रिंटर, एक होता है प्रिंटर, और एक होता है प्लॉटर। एक क्या होता है, प्लॉटर। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी वर्क करना है, बड़ी फाइल्स हैं, हाई क्वालिटी है, तो वो आपका प्रिंटर नहीं निकाल सकता, उसके लिए प्लॉटर यूज करना पड़ता है। जैसे फ्लेक्स प्रिंट कराते हो, बैनर प्रिंट कराते हो, होर्डिंग प्रिंट कराते हो, आर्किटेक्चर प्रिंट कराते हो, कोई भी नक्शा प्रिंट कराते हो, कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो वो हैवी ड्यूटी वर्क है, हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी के लिए हम हमेशा प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई छोटे मोटे प्रिंटर निकालने हैं तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया प्लॉटर। क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया अपना प्लॉटर। कोई दिक्कत, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कल हमने ना डिस्कस किया था कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यूज, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो उसमें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में, अगर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है ना कोई टॉपिक, तो वो है एमएस ऑफिस। एक तो है एमएस ऑफिस, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है नंबर सिस्टम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ये कुछ टॉपिक है। इसके अलावा जैसे मेमोरी का पार्ट हो गया, ये जो टॉपिक्स है इनकी कंप्लीट वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, और भी मिल जाएंगे आपको, जनरेशंस भी मिल जाएंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी है, वन लाइनर भी है, ये सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखी है डिटेल में। जो मेरा पेड बैच है उसी की वीडियोस है वो। कहीं आप ये सोचो कि यूट्यूब पे तो जैसे चीज नहीं होते कि यूट्यूब पे थोड़ा सा कंटेंट करवा दिया फिर कहते हैं कि हमारा बैच परचेज कर लो, मेरा ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। जो मेरा पेड बैच है उनकी कंप्लीट वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे भी जो वीडियोस है वो अपलोड करता रहूंगा, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपना,
इसकी कंप्लीट पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, कल वाली मैंने अपलोड कर दी है और इसकी मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। द वर्क डन बाय कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो सर जो कंप्यूटर में काम चल रहा है ना वो हमें मॉनिटर में दिखाई देता है, कहां दिखाई देता है, मॉनिटर में दिखाई देता है, और मॉनिटर को क्या बोलते हैं, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्या बोलते हैं दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम ऑफ आउटपुट, आउटपुट के लिए क्या काम आता है? तो सर आउटपुट के लिए तो प्रिंटर काम आता है, आउटपुट के लिए तो प्रिंटर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, इनपुट देने के लिए क्या काम आता है, लेकिन यहां पे से क्या मेंशन किया है, डिजिटल फॉर्म में देना है, डिजिटल फॉर्म के अंदर, यानी आप जो इनपुट दोगे वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाए डिजिटल फॉर्म में, तो उसके लिए स्कैनर काम आता है। उसके लिए क्या काम आता है बच्चे, स्कैनर काम आता है। स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉफ्ट कॉपी में, और इसी सॉफ्ट कॉपी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिटल, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डिजिटल। क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, स्कैनर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलो ये अपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है व्हेन वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड बाय डोगलस एंगलबर्ट, यानी डोगलस एंगलबर्ट जो कि माउस के इन्वेंटर है, उन्होंने माउस का आविष्कार कब किया? तो दोस्तों माउस का आविष्कार हुआ था 1963 में, और ऑप्शन में जरूरी जो डेट आती है वो आती है 1960s की बात करता है वो, है ना, 1960s की बात करता है, तो कहीं पे 1960 या 1963 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, क्योंकि माउस का आविष्कार हुआ था 1963 में, कहीं की बार ऑप्शन में 1960 भी आ जाता है। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर। अभी मैंने बताया कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा कौन सा है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ करेक्टर प्रिंटर प्रिंट डैश नंबर ऑफ करेक्टर पर सेकेंड, यानी करेक्टर प्रिंटर एक सेकेंड में कितने करेक्टर छाप सकता है? तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, 200 से लेके 4000 तक। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, मैंने आपको क्लास में भी ये चीज बताई है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर करते हैं। तो प्रिंटर की स्पीड मापने की तीन यूनिट होती है, फर्स्ट वन इज सीपीएस करेक्टर पर सेकेंड, सेकेंड वन इज एलपीएम लाइन पर मिनट, एंड थर्ड वन इज पीपीएम पेज या फिर पेपर पर मिनट। तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अपने को। अ लाइन प्रिंटर प्रिंट डैश नंबर ऑफ लाइन पर मिनट, यानी एक मिनट में जो लाइन प्रिंटर होता है वो कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ई, 400 to 200 आएगा दोस्तों, यहां पे 2000 आएगा, ये मिस प्रिंट है, ठीक है, 400 to 2000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्कैनर लुक लाइक डैश मशीन, जो स्कैनर है दोस्तों वो कैसी मशीन होती है, ये हमें देखना है कि जो स्कैनर है अपना वो कैसी मशीन है। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर, एक मिनट। एक मिनट रुके दोस्तों, एक मिनट, चलिए। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है देखते हैं, कौन से क्वेश्चन बोलते हैं हम,
क्वेश्चन नंबर 22 पे थे ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि स्कैनर कैसे काम करता है, तो स्कैनर हमें पता है फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एरो कीज, एरो कीज कितनी होती है सर कंप्यूटर में, तो सर एरो कीज तो चार होती है, ये हमें पता ही है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एनी करंट अवेलेबल कीबोर्ड हाउ मेनी टाइम्स नंबर कीज आर रिपीटेड, तो दोस्तों कितनी बार नंबर कीज रिपीट होती है, तो सर कितनी बार होती है, सर दो बार होती है, जो नंबर कीज होती है वो दो बार होती है, एक बार शुरू में दे रखी होती है और एक बार लास्ट में, जो कीबोर्ड के बिल्कुल साइड में इधर बना रखा होता है नंबर कीपैड, वहां पे होती है। क्लियर दोस्तों यहां तक बात अपने को, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड, जिसके ऊपर हम माउस रोटेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माउस पैड, जिसके ऊपर हम माउस को रोटेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट तो सर मॉनिटर भी होता है और आउटपुट प्रिंटर भी होता है, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। वट कैन बी द फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा यानी आंकड़े किस रूप में हो सकते हैं, सर डेटा रिटर्न भी हो सकता है और डेटा अनरिटर्न भी हो सकता है, बिना लिखा हुआ भी, लिखित भी और बिना लिखा भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे बढ़े, चलो जी क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखते हैं, लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन, कंप्यूटर और इंसान के बीच में जो लिंक है वो किसके द्वारा होता है, सर इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है, ये मैंने आपको बता रखा है काफी बार। Which of the following is not a type of input or output? जो input भी नहीं है और जो output भी नहीं होता, तो सर sound output तो होता है, जैसे अपना speaker हो गया, mechanical भी होता है, जैसे अपना mouse हो गया, visual भी होता है, जैसे अपना monitor हो गया, लेकिन light input output नहीं होता, light की जगह अगर word optical होता ना, तो मैं इसको ठीक करता, वरना ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, नॉट अ टाइप, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस, माउस की तरह कौन सा काम करता है, तो सर माउस की तरह तो ट्रैक बॉल काम करती है, माउस की तरह तो ट्रैक बॉल काम करती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है इनपुट डिवाइस में, ठीक है। जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज फॉर ओके, ओके करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज करते हैं, लेफ्ट बटन यूज करते हैं, और सब अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि सबसे ज्यादा कौन सा बटन यूज होता है, तो इसका आंसर क्या होता, लेफ्ट बटन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, सबसे फास्ट लेजर प्रिंटर, सबसे बढ़िया लेजर प्रिंटर, बेस्ट क्वालिटी लेजर प्रिंटर, ड्राई प्रिंटिंग लेजर प्रिंटर। एलसीडी का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तो पता ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और अगर ये पूछ लेता एलईडी का मतलब, तो हम क्या करते, लाइट एमिटिंग डायोड, क्या बोलते हैं हम, लाइट एमिटिंग डायोड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्नल मेथड टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा कीबोर्ड, टेक्स्ट एंटर करना है या नंबर एंटर करते हैं, तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, आउटपुट का काम क्या होता है, व्यू एंड प्रिंट डाटा, मॉनिटर देखने के लिए काम आता है, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, व्यू एंड प्रिंट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज, हार्ड कॉपी का मतलब क्या है, जो प्रिंट करने के बाद मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। Which of following group have only input device? ऐसा कौन सा है जिसमें सिर्फ input device है? Input device, monitor वाला गलत हो गया, mouse, keyboard, printer वाला गलत हो गया, mouse, keyboard, plotter वाला गलत हो गया, mouse, keyboard, scanner, हाँ जी, option number D, ये आप सभी को पता है। मेरा मोटिव एक है इन क्वेश्चन से करवाने का, कि पूरा चैप्टर मैं आपका रिवाइज करवा दूं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें कवर कर सके। चलिए, Which of the following group have only output device? जिसमें सिर्फ output device है, scanner input होता है, गलत, keyboard input होता है, गलत, mouse input होता है, गलत, plotter, ये O आएगा, plotter, printer, monitor, तो option number D हमारा सही answer है। Next question में बढ़ते हैं, next question हमें क्या कह रहे हैं, any data or instruction entered in memory of a computer, किसके द्वारा होता है जी, input के द्वारा, कोई भी डाटा हम एंटर कर रहे हैं, एंटर किसके द्वारा करेंगे, हम इनपुट के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो, ये कह रहा है कि जो नंबर पैड है, नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो की तरह काम कैसे करवाएंगे हम, नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो की तरह हम कैसे काम करवा सकते हैं, तो नमलोक, हां जी बिल्कुल, नमलोक,
नम लॉक को ऑन करोगे तो नंबर्स टाइप होंगे, ये मैंने करवाया है माउस में, और जनरली बुक्स में दे नहीं रखी है चीज। अगर नम लॉक को आप ऑफ कर देते हो तो जो नंबर पैड है वो आपका एरो की तरह काम करता है, दो नंबर जैसे होते हैं ना ऐसे, मैंने आपको लिखवा रखा था, देखो अभी करवा देता हूं आपको, देखो ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो अगर आप उसको ऑफ कर दोगे तो 2 इस एरो का काम करेगा, 4 इस एरो का काम करेगा, 8 इस एरो का काम करेगा, और 6 इस एरो का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच की इज यूज टू कॉम्बिनेशन विद अनदर की परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऐसे कौन सी कीज है जिसका इस्तेमाल हम दूसरे कीज के साथ करते हैं तो वो कोई और काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल कीज, क्या बोलते हैं उसको हम, कंट्रोल कीज, ये मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल इनको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बटन, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर बटन होते हैं ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये मैंने करवाया था ना आपको कि जो प्रिंटेड लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड। जो मॉल वगैरह के में आप आइटम्स लेके आते हो वहां पे आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर की प्रिंटेड लाइंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर। प्रिंटर कैसा डिवाइस है सर, आउटपुट डिवाइस है। अ स्कैनर स्कैन्स, स्कैनर क्या कर सकता है, स्कैनर क्या स्कैन करेगा सर, स्कैनर जो है पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड। हाईलाइट करना है किसी शब्द को, यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड। देखो अगर आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं ना, तो सेलेक्ट करते हम कैसे, माउस को ऐसे रखेंगे, होल्ड करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो वो शब्द क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, वो शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, हाईलाइट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग द बटन डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम। गेम खेलने के लिए, ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इन MICR, सी स्टैंड फॉर, सर MICR का क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो सी का मतलब क्या हुआ, करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी इज एन इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, सो देन व्हाट इज द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, और टच कब कर पाओगे, जब आप उसको प्रिंट कर दोगे, द प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस। प्रिंटर कैसा डिवाइस है सर, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट एंड नंबर। तो सर किसी को टेक्स्ट को एंटर करना है, नंबर को एंटर करना है, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। दोस्तों अगर आपने चीजों को बड़ी बारीकी से समझा है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो क्वेश्चन आप इस प्रकार इतना सा बढ़ के आंसर बता दोगे, ठीक है। और मैंने आपको 27 ब्रह्मास्त्र तो दे ही रखे हैं, ब्रह्मास्त्र आप यूज करना, आपका कंप्यूटर का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आज डाल दूंगा उस पीडीएफ को, ब्रह्मास्त्र वाली को, और टेलीग्राम पे कर देंगे अपलोड, ठीक है, व्हाट्सएप वाली में तो शोरली डाल ही दूंगा। अ कीबोर्ड इज द काइंड ऑफ डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, कि आपने काम क्या किया है वो कौन दिखाता है आपको, मॉनिटर दिखाता है, मॉनिटर दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस। ऐसा कोड जिसके अंदर लाइंस होती है, बार्स होती है, बार कोड बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Whenever we have to give space between the two words while typing on a PC, अगर अपने को दो शब्द के बीच में स्पेस देना है तो सर स्पेस बार प्रेस करो। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है स्पेस बार का, कि कीबोर्ड के ऊपर सबसे बड़ा बटन या की कौन सी होती है, स्पेस बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, Whenever we have to give space, ये तो अपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द डैश की एंड डैश की कैन बी यूज टू कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म शॉर्टकट। तो ये आपको बता रखा है ना मैंने, कंट्रोल की और ऑल्ट की को अगर आप किसी दूसरे बटन के साथ प्रेस करोगे तो आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा कंट्रोल प्लस में ए, तो वो पूरे को सिलेक्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंट्रोल की और ऑल्ट की को किसी दूसरे बटन के साथ प्रेस करोगे तो आप कोई शॉर्टकट का काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of device is the computer monitor? Monitor कैसा है? Output device है। Which of these keys is not the number keypad? Number के ऊपर कभी भी control button नहीं होता दोस्तों। आपने keypad देखा होगा keyboard में। Keyboard में यहाँ पे क्या होता है? Number keyboard होता है। ठीक है? Number keypad होते हैं। Number keypad पे कभी भी control button नहीं होता। Next question। The primary output device। Output device कौन सा होता है सर? Monitor होता है। Primary। इसने पूछा प्राइमरी। अगर प्राइमरी इनपुट पूछे तो कीबोर्ड और माउस, अगर प्राइमरी आउटपुट पूछे तो मॉनिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स द मींस टू मूव द पॉइंटर। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये जो कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, इसको मूव करने के लिए माउस का यूज करते हैं सर, माउस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है सर? सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है डिजिटल कॉपी। ये रहा सर डिजिटाइजिंग, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है डिजिटल कॉपी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कैप्स लॉक की रेफर टू एज अ टोगल की। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था टोगल की। टोगल की वो बटन होता है जिसको आप अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से ऑफ कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक होता है एक तो, और एक होता है नम लॉक और एक होता है स्क्रोल लॉक। ये तीन बटन है जो टोगल की में आते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रोल लॉक। तो ये कह रहा है कि कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड। बिल्कुल यही आंसर है कि जब आप इसको प्रेस करोगे तब ये काम करेगा, प्रेस कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पुट इंफॉर्मेशन इन टू कंप्यूटर बाय प्रेसिंग। कंप्यूटर के अंदर अपने को इंफॉर्मेशन डालनी है तो एंटर प्रेस करना पड़ता है। सीधी सी बात देखो, कोई भी कमांड तब एग्जीक्यूट होती है जब आप उसके बाद में एंटर प्रेस करोगे। अपने बोलते हैं कि भाई एंटर यानी काम डन, तो यानी आपका डाटा डल गया, तो इसलिए एंटर प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की दैट मस्ट बी प्रेस्ड ईच टाइम अ न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड। ठीक है, अभी बताया मैंने कि कोई भी कमांड देने के बाद जब तक आप एंटर, एंटर को क्या बोलते हैं, रिटर्न की भी बोलते हैं, जब तक आप रिटर्न की प्रेस या एंटर की प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका काम एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन। ड्रैग एंड ड्रॉप, बताया था ना कि कोई आइटम है, इसको आप चाहते हो कि मैं यहां ले आऊं, इसको आप चाहते हो मैं यहां ले आऊं। जैसे मैंने आपको क्रिकेट दिखाया था लास्ट क्लास में, मैं दिखाता हूं। जैसे देखो मैंने कोई आइटम बनाई, मैंने कोई आइटम बना ली, ये रही, ये कोई आइटम है। देखो इसको क्या कर रहा हूं, ड्रैग कर रहा हूं, ड्रैग कर रहा हूं मैं, और जहां छोड़ूंगा वहां आ गया। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट इज कॉल्ड एज। जब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके ऊपर मैं ऐसे हाईलाइट करता हूं ना, स्कैन अपन नहीं करते इसके ऊपर, ऐसे माउस को रोटेट करेंगे ना तो ये हाईलाइट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाईलाइट करना। इसके ऊपर कलर आ जाएगा बैकग्राउंड में, इसको बोलते हैं हाईलाइट करना, शेडिंग करना मतलब हाईलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बटन दैट मेक्स डॉक्यूमेंट इधर अपर केस और लोअर केस। अपर केस और लोअर केस के लिए आप शिफ्ट बटन का यूज करते हैं। अगर मैं नॉर्मल ए प्रेस करूंगा तो ये टाइप होगा, अगर मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करूंगा तो वो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा, शिफ्ट की का यूज करते हैं। पिक द ओड वन मतलब इनमें से भिन्न कौन सा है। माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, लेटर्स नंबर सिंबल्स आर फाउंड ऑन कीबोर्ड आर। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है सर? कीज है, अल्फाबेटिकल कीज होती है, न्यूमेरिकल कीज होती है, सिंबल वाली कीज होती है, तो कीज है ये सारी। अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के अंदर डालना है तो कीबोर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल लेटर ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर्ड टू। जो कैपिटल लेटर होते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं सर? कैप्स लॉक के द्वारा करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? कैप्स लॉक की। क्या बोलेंगे? कैप्स लॉक की। ठीक है,
पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम। अगर आपको किसी प्रोग्राम से एग्जिट होना है यानी बाहर निकलना है, बाहर निकलने का मतलब आप बच के निकल रहे हो, बच के निकलने को क्या बोलते हैं, एस्केप की। ये मैंने करवाया था आपको, मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उसे बाहर आना चाहते हैं, तो आप एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश एग्जिटेड फिजिकली एंड इज अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट। यानी अगर आप उसको प्रिंट कर लेते हैं फिजिकल, यानी जिसको टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हार्ड कॉपी। क्या हो जाएगा आपका, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट नेक्स्ट, मूव द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट द स्पेसेस इन बिटवीन द वर्ड्स। यानी वन स्पेस तो सर स्पेस बार से दिया जाता है, और अगर मैं पूछ लेता फाइव स्पेस, अगर मैं आपको बोलता कि मेरे को 5 बार स्पेस देना है, 1 2 3 4 5, मेरे को 5 स्पेस देने हैं, तो आप कौन सा बटन दबाते, टैब बटन दबाते। आप कौन सा की प्रेस करते, टैब की। क्लियर। यूजिंग दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज शिफ्ट की। आप चाहते हो कि सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाए, तो सर कैप्स लॉक ऑन कर दो। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर देते हो, तो आपके सारे लेटर क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कैपिटल टाइप होंगे। नेक्स्ट, ये सब मैंने आपको करवा रखा है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं। बस तभी ये बोल रहा हूं कि ये जो एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जिस वे में मैं आपको करवा रहा हूं ना, पूरा इनपुट और आउटपुट आपका रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट। डिवाइस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। जो देखो, अगर आपसे यू पूछ लेना, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका है कंप्यूटर, ठीक है, और यहां पे है इंसान, यहां है इंसान, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज मत होना इनमें, मैंने कल भी करवाया था आपको। अगर ये पूछे कि आप किसके द्वारा बात करोगे कंप्यूटर से, तो आंसर आएगा इनपुट। अगर ये पूछे कंप्यूटर आपसे कैसे बात करेगा, तो आंसर आएगा आउटपुट। अब क्वेश्चन देखो, इसने क्या पूछा कि कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, यानी कंप्यूटर आपसे किसके द्वारा बात करेगा, आउटपुट। दूसरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में डाटा कैसे डालोगे, तो आंसर आएगा इनपुट। समझाई बात, कंप्यूटर आपसे बात कैसे करेगा, आउटपुट के द्वारा, और आप कंप्यूटर से बात कैसे करोगे, इनपुट के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी लेटर नंबर और सिंबल, ये तो मैंने करवा दिया। एनी लेटर नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड, उनको क्या कहते हैं, करेक्टर होते हैं। एबीसीडी भी करेक्टर है, 1 2 3 भी करेक्टर है, डॉलर स्टार जितने भी सिंबल है वो सब करेक्टर होते हैं। अ की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी एंड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। डिलीट की, अगर आप डिलीट की प्रेस करोगे, तो उसको इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डैश टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स ऑन डिपेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो अपना ना शेप चेंज कर लेती है, तो इसका आंसर है पॉइंटर। देखो, जो पॉइंटर होता है ना, उसकी शेप कैसी होती है, सर एरो की जैसी होती है, लेकिन अगर आप किसी एरो को लिंक पे लेके जाते हो ना, तो वो हाथ की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे हाथ की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या होता है, माउस पॉइंटर होता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, जब आप माउस पॉइंटर को किसी लिंक या हाइपर लिंक के ऊपर लेके जाओगे, तो वो हाथ की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन यूज द टैब बटन, ये अपने अभी किया था शुरू में ही, कि कर्सर को रोटेट करने के लिए और इंडेंटेशन देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ये मैं आपको करवा चुका हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फीड इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डाली जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। विच की इनेबल द इनपुट ऑफ नंबर क्विकली, मतलब आपको क्या करना है कि नंबर को एंटर कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड याद है ना, मैंने आपको क्लास में भी करवा रखा है, इधर इधर नमलोक होता है, नमलोक को ऑन करोगे, तो ये नंबर जो होते हैं ना आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इनको एंटर कर सकते हो, तो इसका आंसर हो गया न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट, यू कैन यूज डैश सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। कीबोर्ड और माउस क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेजेस इन अ डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड इन टू अ कंप्यूटर। यानी इमेज वगैरह क्लिक करने के लिए कौन सा कैमरा यूज करते हो, इसने आंसर दे भी रखा है। देखो, डिजिटल फॉर्मेट के लिए तो डिजिटल कैमरा चाहिए। क्लियर है दोस्तों।
अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आंसर वही मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पर मैंने क्लास में करवाया आपको, याद है मैंने आपको ना एक मतलब 10 मिनट लगे थे मेरे को करवाने में, मैंने आपको एक्सटेंशंस करवाए थे और उसकी पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली थी कि किसी भी फाइल के आगे उसकी एक्सटेंशन दे रखी होती है, जैसे डॉट MP3। MP3 का मतलब क्या है, ये ऑडियो फाइल है। डॉट डॉक का मतलब ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, डिजिटल फोटोज एंड स्कैंड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड एज ग्राफिक्स विद एक्सटेंशन सच एज BMP, PNG, IPG, GIF, TIF। तो वो कौन सी इमेजेस होती हैं दोस्तों, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है ना, वो आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, तो आप BMP देख के बता दोगे सर वो बिट मैप होती है। तो आप अगर वो ना भी देख रखे हो, तो आप समझो कि जितने भी हमारी डिजिटल फोटोज होती हैं जो आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो, या फिर आप जो स्कैंड इमेजेस को स्टोर करते हो, वो कौन सी होती है, बिट मैप होती है सारी की सारी। बिट मैप क्या होता है, बिट मैप के अंदर ना बहुत सारी बिट्स होती हैं, बहुत सारी बिट्स होती हैं, और इन बिट्स का काम क्या होता है, इन पिक्सल्स, आपको पता है ना कोई भी इमेज किससे मिलके बनती है, पिक्सल। तो इन पिक्सल्स को कलर प्रोवाइड कौन करवाता है, ये बिट्स करवाती है, और इन बिट्स के समूह को हम क्या बोलते हैं, बिट मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम बिट मैप बोलते हैं, ठीक है। OCR, ये तो करवा रखा है सर आपने। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का काम क्या होता है, किसी भी इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली टाइप कर देता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। तो सर पॉइंटिंग डिवाइस तो सर हमें पता ही है, स्टैंडर्ड कौन सा होता है, सर माउस होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सा इनपुट डिवाइस काम आता है, तो आंसर होगा माउस, ठीक है दोस्तों। चलिए जी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किए कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, और आपको सेशन कैसा लगा। और इसकी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो ER अंशुल करके उस पर मिल जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यार, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।